गाइज, आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारी बुक्स की नेम सुनी होगी, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड एंड थिंक एंड ग्रो रिच जैसी। बट मैं आपको आज कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बताऊंगी जिसे पढ़कर आप अपनी लाइफ के गोल को सेट करके उसे अचीव कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। गाइज, हमारी जो पहली बुक है वाई वी स्लिप बाय मैथ्यू वॉकर। गाइज, इस बुक में ऑथर बताते हैं कि सोना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज हमारे बॉडी को कुछ करने के लिए रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एक हैप्पी और रिफ्रेशिंग मॉर्निंग के लिए रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करने से आप बहुत एक्टिव फील करते हो, आप अपनी हर काम को अच्छे से कर सकते हो। गाइज, जो हमारी सेकेंड बुक है स्टीव जॉब्स बायोग्राफी बाय वॉल्टर इसैक्सन। इस बुक में ऑथर ने स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ के बारे में बताया है, फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ, कैसे उन्होंने सक्सेस अचीव की अपने दिमाग को यूज़ करके, जिसकी वजह से आज एप्पल इतना फेमस और इतना ग्रोइंग कंपनी है। हमारी जो थर्ड बुक है उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस बुक में हाउसल ने हमें बताया है कि पैसे हमें कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, कैसे हम अपनी छोटी सी सेविंग्स को बड़ा बना सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हमारा जो फोर्थ बुक है द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोहिलो। इस बुक में बताया गया कि कैसे हमें हमारे मन की सुनकर हमारे ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और हमारे गोल्स के बीच में कुछ भी आए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो एक ना एक दिन हम लोग सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट बुक है इकीगाई। ये एक एंशियंट जापनीज टेक्निक पे बेस्ड है जिसका नेम है इकीगाई। इसमें लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे आप अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढ के उसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि गाइस हमारे स्टार्ट और फिनिश पॉइंट में बहुत कम दूरी का डिस्टेंस होता है, बट हमें अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता होता है तो हम अचीव नहीं कर पाते। That's it for today, guys, and thanks for watching.